हेलो फ्रेंड्स, मैं डीके हूं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल के ऊपर में। दोस्तों, हम टेक्निकल एनालिसिस को कैसे सीखें? तो जो दोस्तों इस परिवार के जो एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं खास करके, वो जानते हैं कि दोस्तों इस पर्टिकुलर चैनल पर एक जीरो टू हीरो श्रृंखला जून 2019 में चालू की गई थी, जिसका एक नया एपिसोड एवरी सैटरडे 8 PM को उसका प्रीमियर होता है दोस्तों, जिसमें हम हर नए नए टॉपिक पर स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट एंड फॉरेक्स मार्केट से रिलेटेड एस्पेक्ट्स को और उससे टेक्निकल एनालिसिस के एस्पेक्ट को उसमें कवर किया जाता है दोस्तों। ये एक एग्जॉस्टिव फुल कोर्स है दोस्तों, जो आप घर बैठे फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम आप इसे सीख सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का सिर्फ पर्पज एंड उद्देश्य इतना है कि पिछले 2 महीनों में करीब 500 से 600 सब्सक्राइबर अपने परिवार में जुड़े हैं दोस्तों, और वो दो नए लोग हैं दोस्तों। उसमें बहुत सारे लोग ट्रेडिंग में बिगिनर्स होंगे, या दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी ट्रेडिंग नहीं करते हैं लेकिन वो पहले सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, कमोडिटी मार्केट के बारे में, फॉरेक्स मार्केट के बारे में, और उसकी कैसे एनालिसिस करें, कैसे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाएं और कैसे रिस्क को मैनेज करें। तो दोस्तों, उन्हें शायद ये जीरो टू हीरो श्रृंखला के बारे में कि ये एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग प्रोग्राम जो है, जो यूट्यूब के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कंप्लीट कोर्स ट्यूटोरियल्स स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाए जा रहे हैं, ताकि हम देश के कोने कोने तक पहुंच सके और एक फ्री एजुकेशन को हम देश के हर कोने में ले जा सके। दोस्तों, सबसे बड़ा पर्पज ये है कि टेक्निकल एनालिसिस, जो एक स्टॉक मार्केट के प्राइस एंड वॉल्यूम को एनालिसिस करने का एक एस्टैब्लिश तरीका है दुनिया भर में, जो डाउ प्रिंसिपल्स के हिसाब से आधारित है, डाउ डॉक्ट्रिन्स के प्रिंसिपल पे आधारित है, जो 100 से अधिक साल पहले इसके बारे में वॉल स्ट्रीट जर्नल में बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे गए थे 19th सेंचुरी में। तो दोस्तों, उस पे आधारित ये कोर्स है, और इसका उद्देश्य एक और है दोस्तों, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में तो शायद कोचिंग की फैसिलिटी है, ट्रेनिंग की फैसिलिटी है, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो एजुकेशन इम्पार्ट करते हैं, आप वहां पर फीस जमा कर सकते हैं और जाके सीख सकते हैं। लेकिन देश के बहुत ऐसे सेकेंड टीयर एंड थ्री टीयर सिटीज हैं दोस्तों, बहुत स्मॉल टाउन्स हैं जहां पर ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। एंड दूसरा दोस्तों, कि कोर्स फी कई बार अधिक होने के कारण बहुत सारे लोग जो बड़े शहरों में भी रहते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भी रहते हैं दोस्तों, वो शायद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो उसका उद्देश्य यह था दोस्तों कि इस चैनल के माध्यम से जिन व्यक्ति में वो सिंसियरिटी है सीखने की, कि वो स्टॉक मार्केट में एक अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट बनना चाहते हैं और एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो वो टेक्निकल एनालिसिस सीख सके। तो आज दोस्तों इसका उद्देश्य ये था पर्पस दोस्तों, कि आप जो नए सब्सक्राइबर्स हैं दोस्तों, जो इस परिवार के एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स हैं दोस्तों, तो दोस्तों उन्हें पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी नए टॉपिक को जब हम सीखते हैं तो सीखने के केवल 3 तरीके होते हैं दोस्तों। ये जीरो टू हीरो श्रृंखला के 25 से अधिक वीडियो हो चुके हैं दोस्तों, और ये सारे वीडियो जो उपलब्ध है चैनल के ऊपर में, और उसमें भी कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र एक बार आया है दोस्तों। और वो सीखने का क्या तरीका है दोस्तों, या तो हम सीखने के लिए किताबों को पढ़ें, उसकी पढ़ाई करें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों। हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, इंजीनियरिंग की किताबें पढ़ते हैं, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, मेडिकल की बुक्स पढ़ते हैं, हम लॉ में जाना चाहते हैं, हम लॉ की बुक्स पढ़ते हैं, हम
मैनेजमेंट की बुक्स पढ़ते हैं अगर हम एमबीए करना चाहते हैं या बीबीए करना चाहते हैं, तो दोस्तों हमें अल्टीमेटली या तो पढ़ना पड़ेगा। और ये दूसरा तरीका जो सीखने का है दोस्तों, कि अगर कोई आदमी हमें पढ़ा रहा है तो उसे सीखना सुनना पड़ेगा, लिसन करना पड़ेगा। सो रीडिंग एंड लिसनिंग। एंड थर्ड दोस्तों इस कि हम पूछें किसी से कि हमें ये सीखना है तो आप क्या हमें सिखाएंगे। तो दोस्तों मुख्यतः तीन तरीके हैं किसी भी सब्जेक्ट को, टॉपिक्स को सीखने के लिए, उसमें नॉलेज गेन करने के लिए, दक्षता हासिल करने के लिए। एंड दोस्तों अब वो तरीका है रीड, लिसन और आस्क। अब दोस्तों यहां पर इस चैनल के माध्यम से रीडिंग करने की जरूरत अगर है आपको तो आप कर सकते हैं। बहुत सारी किताबें उपलब्ध है, इवन इस श्रृंखला में कई रिकमेंडेड बुक्स का जिक्र भी आया है, तो दोस्तों आप पढ़ सकते हैं। दूसरा दोस्तों इस माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप अलग-अलग वीडियो को देखकर सुन सकते हैं, क्योंकि मैं उसमें एक कंप्लीट कोर्स को कवर कर रहा हूं और बहुत एग्जॉस्टिव तरीके से डिटेल में उसे समझाया जा रहा है, पिक्टोरियल डायग्राम के माध्यम से, प्राइस चार्ट के माध्यम से, अलग अलग एग्जाम्पल के लिए, और सारे टॉपिक स्टेप बाय स्टेप कवर किए जा रहे हैं। और तीसरा दोस्तों कोई भी क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में जब आता है, जब आप पूछते हैं, आस्क करते हैं, तो उसका जवाब शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में दिया जाता है। तो मेरे दोस्तों जितने भी व्यक्ति नए इस चैनल में जुड़े हैं, करीब 600 व्यक्ति पिछले 2 महीने के अंदर में इस चैनल में उन्होंने सब्सक्राइब किया है दोस्तों। अगर सब्सक्राइब करने के बाद अगर आपने नोटिफिकेशन बेल एनेबल नहीं किया है दोस्तों, तो आप उसे नोटिफिकेशन बेल को एनेबल कीजिए, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके और आप कोई भी एक इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। तो दोस्तों खास करके नए लोगों के लिए, और इवन दोस्तों पुराने लोग भी हैं तो अगर इसको पूरा देखते हैं वीडियो को, तो आज एक टूर किया जाएगा कंप्लीट, जो टूर होगा कितने सारे ट्यूटोरियल्स हमने कवर किए हैं और उसमें ब्रॉडर क्या क्या टॉपिक कवर किए गए हैं, ताकि जो लोग इन्हें देख चुके हैं पूरा उनका रिवीजन हो जाएगा, और कहीं कोई वीडियो मिस कर गया है उनसे दोस्तों, तो वो रिविजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये सारे वीडियो इस चैनल पे उपलब्ध हैं। चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूं कि किस तरह से लर्निंग की प्रोसेस आपको इस चैनल में उपलब्ध मटेरियल के द्वारा, ट्यूटोरियल्स के द्वारा स्टार्ट करनी चाहिए, ताकि आप स्ट्रक्चर तरीके से किसी सब्जेक्ट को सीख सके। आप कोई भी टॉपिक को जंप करके मत सीखिए दोस्तों, क्योंकि कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि पैसे तब बनते हैं जब हमें नॉलेज होता है, और पैसे तब बनते हैं जब वो स्किल आती है नॉलेज को इंप्लीमेंट करने की। केवल नॉलेज का पैसा नहीं है, साथ में स्किल भी जरूरी है दोस्तों। इसलिए एक एक वीडियो को स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर्ड लर्निंग के लिए हर वीडियो को कम से कम 3 बार देखिए। जब हम रिवीजन करते हैं 3 बार दोस्तों, तो वो कंसेप्ट बहुत क्लैरिटी के साथ दिमाग में बैठ जाते हैं, वो परमानेंट ट्रेसेस बना देते हैं दिमाग में, ताकि हमें कोई भी ट्रेस ऑफ कंफ्यूजन नहीं रहता है। क्योंकि सफलता के लिए देर इज नो स्कोप ऑफ एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन इन द माइंड। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इस जर्नी को, इस यात्रा को, इस टूर को शुरुआत करते हैं, ताकि एक स्ट्रक्चर तरीके से सीखने का तरीका आप तक चला जाए, और जो खास करके नए लोग आए हैं उन्हें पता लगे कि कहाँ से वो वीडियो को ढूंढना है और कैसे स्टेप बाय स्टेप सीखना है।
तो दोस्तों सबसे पहले आपको ब्राउज करना है, और ब्राउज कैसे करना है दोस्तों, YouTube चैनल पे जाना है और देवेश कुमार सिन्हा के नाम से ये चैनल है दोस्तों। ऊपर में URL दिया हुआ है, एरो जो शो कर रहा है दोस्तों। तो आप जब चैनल को ब्राउज करेंगे YouTube चैनल को, तो इस चैनल के होम पेज में पहुंच जाएंगे दोस्तों, जिसका जो टाइटल है दोस्तों, लाइफ इन स्टॉक मार्केट, चैनल फॉर लर्निंग एंड क्रॉस लर्निंग। तो दोस्तों बेसिकली इसका उद्देश्य है, एक ये एजुकेशनल चैनल है जिसमें लर्निंग एंड क्रॉस लर्निंग हम प्लेटफॉर्म इसे बोल सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों आपको जाना है प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, तो ये प्लेलिस्ट जितनी भी चैनल में है, बहुत सारी प्लेलिस्ट है दोस्तों, कुछ ट्रेड आइडिया से तहत है, कुछ कमोडिटी से रिलेटेड है, कुछ स्टॉक आइडिया से तहत है, कुछ करेंसी से रिलेटेड है या फॉरेक्स मार्केट से रिलेटेड है। इसके अलावा दोस्तों प्राइस एक्शन एनालिसिस है, जो थोड़ा सा एडवांस लेवल के बारे में हम एनालिसिस का डिस्कशन करते हैं। लेकिन खास करके आज का जो सेशन है दोस्तों, वो सिर्फ बिगिनर्स के लिए है, जो टेक्निकल एनालिसिस को, किस तरह से स्टॉक्स को या इंडेक्स को एनालिसिस करने की मेथड को समझ सके, चाहे वो कमोडिटी में ट्रेड करते हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो, और या फिर फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हो, या फिर वो पहले सीखना चाहते हैं, जो सबसे बेहतर तरीका है कि ट्रेडिंग दोस्तों एक बार आप सीख लेंगे तो कभी भी चालू की जा सकती है। हमें कोई जरूरी नहीं है दोस्तों कि हम कार चलाना सीखना चाहते हैं तो बिना सीखे हुए हम कार लेके रोड पे निकल जाए। अगर बिना सीखे हुए कार चलाने के लिए हम अगर स्ट्रीट पे निकल जाएंगे, सड़क पे उतर जाएंगे, तो एक चीज गारंटी है दोस्तों कि एक्सीडेंट होना गारंटीड है। लेकिन दोस्तों जब हम कार चलाना सीख जाते हैं, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि एक्सीडेंट होने की संभावना नहीं है, लेकिन दोस्तों एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत निग्लिजिबल हो जाती है, क्योंकि हमने कार चलाने की उस स्किल की दक्षता हासिल की है, और हमारे ब्रेन के अंदर में हम बात करते करते भी कब हमारा पैर क्लच पे जा रहा है और कब ब्रेक पे जा रहा है, जैसी जैसी एक्शन की आवश्यकता होती है हम ऑटोमेटिकली करने लगते हैं, क्योंकि हम ऑटो मोड में आते हैं, क्योंकि हमने उसका स्किल हासिल किया है। तो दोस्तों पहले ये प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट खुल जाएगी, तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि प्लेलिस्ट दिखती कैसी है और उसको किस तरह से हमें स्टेप बाय स्टेप इस कोर्स को कंप्लीट करना है, जो आप घर बैठे फ्री एजुकेशन ले सकते हैं फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों आप जैसे ही इस प्लेलिस्ट को क्लिक करते हैं दोस्तों, तो ये सारी प्लेलिस्ट यहां पर आपको जो क्रिएट की गई है इस चैनल में खुल जाती है दोस्तों। अब दोस्तों हमारा फोकस क्या है, अगर जो प्लेलिस्ट आपको यहां दिखाई नहीं दे रही है, तो आप देखिए यहां स्क्रॉल करने का बटन बना हुआ है, यहां पे आप बैक कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर हमारा उद्देश्य है कि उन बिगिनर्स को जो स्टॉक मार्केट के बारे में एजुकेशन लेना चाहते हैं, उनके रिलेटेड वीडियोस के बारे में बात करना। तो दोस्तों ये आप देखिए प्लेलिस्ट है, और इसका टाइटल है दोस्तों जीरो टू हीरो। जीरो टू हीरो श्रृंखला दोस्तों, इसमें एक सेपरेट प्लेलिस्ट है जिसमें दोस्तों 25 वीडियोस आज की डेट तक है, और हर शनिवार को नए वीडियो ऐड होते हैं दोस्तों, जिसका हर शनिवार 8 PM में प्रीमियर होता है, वो इस प्लेलिस्ट में इमीडिएटली चले आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें आप जैसे ही इस प्लेलिस्ट को देखते हैं, तो आपको ये कंप्लीट, मैं इसे रिमूव करता हूं ताकि आपको क्लियर दिख सके। तो दोस्तों ये आप देखिए, ये जीरो टू हीरो अ कंप्लीट कोर्स ऑन फाइनेंशियल मार्केट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट के कंप्लीट कोर्स को आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि जब आप इस प्लेलिस्ट के ऊपर में क्लिक करते हैं दोस्तों, तो वो सारे वीडियो एक
सीरियल वाइज ओपन हो जाते हैं। चलिए मैं उन्हें एक्सप्लेन करता हूं कि वो किस तरह से आपको दिखाई देंगे और आप स्क्रॉल करके उसे स्ट्रक्चर्ड तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं कोर्स को। तो दोस्तों आप इसे जैसे ही प्लेलिस्ट को क्लिक करते हैं तो आप देखिए दोस्तों ये सारी की सारी वीडियोस आपको सीक्वेंसली दिखाई देने लगे दोस्तों। और ये दोस्तों आप देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड का जो विंडो है दोस्तों, यहाँ पे लेफ्ट साइड के विंडो में ये जो लेटेस्ट वीडियो आने वाला है दोस्तों शनिवार के दिन 1 PM को, या जो लास्ट वीडियो है वो इस जगह पे विंडो में आपको दिखाई देता है। और ये राइट साइड के विंडो में फ्रॉम बॉटम से लेकर ऊपर तक एक वीडियो सीक्वेंस में दिए गए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ 0 to Hero 1 है दोस्तों, और ये दोस्तों एक ओवरव्यू है। जब ये कोर्स दोस्तों पहली बार, ये चैनल बहुत नया है दोस्तों, बट आपके प्यार एंड सपोर्ट के कारण बहुत जल्दी हमारे परिवार में काफी लोग आ गए और दोस्तों 66,000 से ज्यादा इस चैनल पे व्यूइंग हो चुकी है, लोग देख चुके हैं एंड दोस्तों, और ये संख्या बढ़ती चली जा रही है दोस्तों। और दोस्तों हम चाहते हैं कि केवल यहां पर रुकना नहीं है, हम इसे देश का मोस्ट एडवांस्ड चैनल बनाना चाहते हैं ताकि देश के हर कोने कोने तक, हर वो डीमैट अकाउंट होल्डर तक हम पहुंच सके। और वो दोस्तों हम सब मिलके आपस में हर व्यक्ति को बताएंगे इस चैनल के बारे में कि एक फ्री एजुकेशन इस चैनल पे उपलब्ध है जो आप स्टेप बाय स्टेप लाखों रुपए की बचत कर सकते हैं, घर बैठे सीख सकते हैं। एंड दोस्तों 0 to Hero 1 में कवर किया गया है कि कोर्स के स्ट्रक्चर को पहले एक्सप्लेन किया गया है दोस्तों कि इस कोर्स के तहत क्या क्या टॉपिक कवर किए जाएंगे। उसके बाद है दोस्तों 0 to Hero 2, इसमें दोस्तों फाइनेंशियल मार्केट के, क्योंकि ये बेसिक से लेके एडवांस कोर्स के बारे में ये पूरी चर्चा है दोस्तों, तो इस वीडियो में 0 to Hero 2 में स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के बारे में बताया गया है, वेरी वेरी बेसिक्स, जो किसी भी व्यक्ति को जो स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं या ट्रेड करना चाहते हैं उन्हें उसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 0 to Hero 3 श्रृंखला जो है दोस्तों, यहां आप देखिए 0 to Hero 3 है, तो इसमें दोस्तों मार्केट के जो इंडेक्स है जैसे निफ्टी है, सेंसेक्स है, या बैंक निफ्टी है जैसे निफ्टी बैंक बोलते हैं, तो दोस्तों ये इंडेक्स होते क्या है, मार्केट कोड्स क्या होते हैं, इस इंडेक्स का कैलकुलेशन कैसे होता है, इसके बारे में दोस्तों इसमें सिखाया गया है और डिटेल में इसकी चर्चा की गई है कि इंडेक्स को इस्तेमाल कैसे करते हैं और उसके क्या फायदे हैं दोस्तों इंडेक्स बनाने के। तो दोस्तों उसके बाद है दोस्तों अगला वीडियो है जो 0 to Hero श्रृंखला नंबर 4 का वीडियो है, वो है दोस्तों कि एक कॉमन मिस्टेक्स जो एक कॉमन ट्रेडर करते हैं जिस कारण से उन्हें सफलता नहीं मिलती है, उन मिस्टेक्स के बारे में एक लिस्ट किया गया है दोस्तों। इतने स्टॉक मार्केट बहुत पुराना है दोस्तों और धीरे धीरे सब ट्रेडर्स ने जिन्होंने मिस्टेक्स की है तो वो मिस्टेक्स को लिस्ट किया गया है दोस्तों, ताकि अगर आपको उस मिस्टेक्स के बारे में जानकारी होगी तो आप उस मिस्टेक्स को दोहराएंगे नहीं, क्योंकि मिस्टेक्स दोस्तों ये वो कॉमन मिस्टेक्स है जो अधिकतर लोग करते हैं और इस कारण से उन्हें स्टॉक मार्केट में सफलता नहीं मिलती है। तो चलिए दोस्तों आगे समझते हैं और इस दिशा में कि 0 to Hero 4 के बाद क्या टॉपिक कवर किया गया है। तो 0 to Hero सीरीज नंबर 4 करने के बाद दोस्तों उसमें क्या हुआ दोस्तों कि एक इमीडिएटली एक दिमाग में बात आई दोस्तों, क्योंकि मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था तो हमारे एक प्रोफेसर ने ये बात बताई थी कि बहुत सारे लोग एक किसी भी सब्जेक्ट को तरीके से सीख क्यों नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें शायद लर्न करने का इफेक्टिव तरीका नहीं मालूम होता है। कई बार दोस्तों ये देखा गया है कि आदमी फेयरली इंटेलिजेंट होता है लेकिन उसके बाद भी दोस्तों उसे वो सफलता नहीं मिलती है, वो सीखने में वो कहीं ना कहीं वो फॉल्ट कर देता है, जिस कारण से दोस्तों उससे कम इंटेलिजेंट आदमी एग्जामिनेशन में मार्क्स ज्यादा ले जाते हैं। तो दोस्तों होता क्या है, उसका रीजन है इफेक्टिव लर्न करने का एक बेसिक तरीका होता है दोस्तों।
और अगर वो बेसिक तरीके को आप जब इफेक्टिव लर्निंग मेथड में अपने शामिल करते हैं तो आपको सफलता मिलती है सीखने में। तो दोस्तों जीरो टू हीरो वन ए, यहां पे देखिए दोस्तों जीरो टू हीरो वन ए एक नया वीडियो इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया था और इसमें केवल चर्चा की गई थी दोस्तों कि इफेक्टिव लर्न करने का, इफेक्टिव तरीके से सीखने का तरीका क्या है, मेथड क्या है। क्योंकि दोस्तों अल्टीमेटली इस सब्जेक्ट को हम सीख रहे हैं, आप अगर इस सब्जेक्ट को सीखना चाहते हैं तो यह भी किसी दूसरे सब्जेक्ट की तरह है, और वो दूसरे सब्जेक्ट को सीखने का जो एक इफेक्टिव तरीका है वही तरीका यहां लागू होता है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों चर्चा की गई है। उसके बाद दोस्तों आया जीरो टू हीरो श्रृंखला नंबर 5, और इसने कवर किया दोस्तों कि बहुत सारे मार्केट में दोस्तों कंफ्यूजन्स होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं जो खास करके नए लोग होते हैं, बिगनर्स होते हैं, नए ट्रेडर्स होते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस दिमाग में कंफ्यूजन रखने से हमें सफलता कभी नहीं मिल सकती है। तो दोस्तों वो क्या-क्या कंफ्यूजन्स लोगों को रहते हैं इनिशियल स्टेज में, क्योंकि जब मैंने भी इसमें शुरुआत की थी दोस्तों ये हमारे दिमाग में भी कंफ्यूजन थे, तो इस हिसाब से उन कंफ्यूजन्स को और क्वेश्चंस को लिस्ट किया गया है और उनके पॉसिबल सॉल्यूशन को बताया गया है दोस्तों। तो दोस्तों उसके बाद आया दोस्तों जीरो टू हीरो श्रृंखला नंबर सीरीज नंबर 6 दोस्तों, एंड इस 6 नंबर में दोस्तों कवर किया गया दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि टेक्निकल एनालिसिस होती क्या है। अब दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस जो है उसका सोर्स कहां से आया है, तो वो सोर्स आया है दोस्तों डॉक्ट्रिन्स ऑफ चार्ल्स एम डाउ, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल जो दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा सबसे पॉपुलर फाइनेंशियल डेलीज है दोस्तों। तो वहां से दोस्तों चार्ल्स एम डाउ जो थे उसके फाउंडर एडिटर थे, उन्होंने सीरीज ऑफ आर्टिकल लिखे थे दोस्तों, और उस सीरीज ऑफ आर्टिकल के बेसिस पर ये टेक्निकल एनालिसिस का कंसेप्ट आया, और उन्होंने वो आर्टिकल लिखे थे मार्केट में प्राइस एंड वॉल्यूम के बिहेवियर को स्टडी किया था, और उसके बाद में दोस्तों ये टेक्निकल एनालिसिस नाम के सब्जेक्ट का जन्म हुआ, जो आज वाइडली एक्सेप्टेड है। वर्ल्ड वाइड टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, इंडेक्स की एनालिसिस हो, कमोडिटी मार्केट हो या फॉरेक्स मार्केट हो दोस्तों, तो इसमें दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस होती क्या है, डाउ डॉक्ट्रिन्स क्या है, उसके बारे में चर्चा हुई है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जीरो टू हीरो श्रृंखला नंबर 7 आया दोस्तों, और ये जीरो टू हीरो 7 में कवर किया गया दोस्तों कि प्राइस एंड वॉल्यूम, हम चलती फिरती भाषा में दोस्तों प्राइस को वैल्यू बोल देते हैं, कभी कॉस्ट बोल देते हैं, तो दोस्तों प्राइस क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस ब्रॉडली दोस्तों प्राइस एंड वॉल्यूम की स्टडी है दोस्तों। तो प्राइस एंड वॉल्यूम के कंसेप्ट को क्लियर किया गया दोस्तों इस जीरो टू हीरो श्रृंखला नंबर 7 में दोस्तों। उसके बाद आया दोस्तों जीरो टू हीरो 8, और जीरो टू हीरो 8 में दोस्तों कवर किया गया वो एसेंशियल्स क्या है टेक्निकल एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए, वो टूल्स क्या है दोस्तों उसका, उसके बारे में आपको जानकारी दी गई कि वो टेक्निकल टूल्स क्या होते हैं जिसके द्वारा जो एसेंशियल है टेक्निकल एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए। तो चलिए दोस्तों आगे समझते हैं कि वो क्या टॉपिक है जो जीरो टू हीरो सीरीज 8 के बाद कवर किए गए हैं। तो दोस्तों उसके बाद आया जीरो टू हीरो श्रृंखला नंबर 9, यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 नंबर दोस्तों, और ये 9 नंबर में कवर किया गया दोस्तों कि मार्केट ट्रेंड्स क्या होते हैं और मैजिक मूविंग एवरेजेस के बारे में बताया गया कि किस तरह से मैजिक मूविंग एवरेजेस को अलग अलग तरीके से हम स्टॉक मार्केट की या कमोडिटी मार्केट की या फॉरेक्स मार्केट की एनालिसिस में इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, क्योंकि ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्यों इंपॉर्टेंट है इसमें एक्सप्लेन किया गया है दोस्तों, उसे आइडेंटिफाई कैसे करना उसे बताया गया है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक सप्लीमेंट सीरीज आई दोस्तों, और वो आई दोस्तों
BELK, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के प्राइस चार्ट पर, क्योंकि काफी दर्शकों ने ये डिमांड किया कि प्राइस एक्शन एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में हमें बताएं, डिमांड एंड सप्लाई के बारे में, क्योंकि दोस्तों हम सभी जानते हैं, स्कूल ड्रेस से पढ़ा है, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस ऊपर जाएगी, सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस नीचे गिरेगी, इसके बारे में भी बहुत चर्चा की गई है जीरो टू हीरो श्रृंखला में। तो BEL का एक सप्लीमेंट वीडियो आया जिसका नाम दिया गया जीरो टू हीरो एक्सटेंडेड करके, और इसमें दोस्तों उस डिमांड एंड सप्लाई जोन को मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई, व्यूअर्स के डिमांड पर, सब्सक्राइबर्स के डिमांड पर। एंड दोस्तों जीरो टू हीरो 10 में फिर कवर किया गया दोस्तों मार्केट साइकोलॉजी एंड दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न्स। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट की भाषा जो है वो टेक्निकल एनालिसिस एक माध्यम है मार्केट की भाषा समझने के लिए, और मार्केट की भाषा कुछ नहीं है अगर हम मार्केट की साइकोलॉजी समझते हैं। और मार्केट क्या है दोस्तों, मार्केट में बायर्स हैं एंड सेलर्स हैं, अगर हम बायर्स एंड सेलर्स की साइकोलॉजी को समझ सकते हैं प्राइस चार्ट को देखकर, तो हमारा पर्पस फुलफिल हो जाता है और हम समझने लगते हैं कि मार्केट का पॉसिबल डायरेक्शन क्या होगा। तो दोस्तों इसमें मार्केट साइकोलॉजी के बारे में डिटेल में चर्चा हुई और कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताया गया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ये जीरो टू हीरो श्रृंखला 11 आया दोस्तों, और 11 में दोस्तों ये बहुत सारे लोग हैं, खास करके जो नए लोग हैं उन्हें पता नहीं है कि जब मार्केट गिरता है तब भी हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी कैसे इनकैश करते हैं। तो दोस्तों जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो एक जनरल मार्केट में बातें सुनेंगे, अरे मार्केट बहुत गिर गया मुझे नुकसान हो गया, क्योंकि दोस्तों वो ट्रेंड के हिसाब से अपने स्टैंड को चेंज करना नहीं जानते हैं। तो हम दोस्तों ऊपर में सेल करके नीचे में ट्रेड को कवर करके भी पैसे कमा सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दी गई। और गिरते मार्केट की क्या मार्केट साइकोलॉजी होती है, किस तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, उसके बारे में एजुकेशन इम्पार्ट किया गया दोस्तों जीरो टू हीरो 11 में। उसके बाद आया दोस्तों जीरो टू हीरो 12, और इसमें चालू हुआ दोस्तों प्राइस पैटर्न या चार्ट पैटर्न। अलग अलग तरह के चार्ट पैटर्न एंड प्राइस पैटर्न दोस्तों बनते हैं, कुछ पैटर्न जो होते हैं वो रिवर्सल पैटर्न होते हैं, कुछ कंटिन्यूएशन पैटर्न होते हैं, कुछ बायलेटरल पैटर्न्स होते हैं। इन सारे पैटर्न्स के बारे में स्टेप बाय स्टेप पहले इसकी डेफिनेशन बताई गई, और उसके बाद दोस्तों चार्ट के बारे में, अलग अलग पैटर्न्स के बारे में चर्चा हुई, ताकि एक बिगनर को सिंपल भाषा में समझाया गया ताकि वो भी सीख सके दोस्तों। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जीरो टू हीरो 12 के बाद में हमने क्या टॉपिक कवर किया इस जीरो टू हीरो श्रृंखला में, जो हर शनिवार को एक नए टॉपिक पर रात को 8 बजे हम इसे कवर करते हैं। तो इसके बाद दोस्तों हमने कैंडलस्टिक पैटर्न्स एंड मार्केट साइकोलॉजी को समझने के बाद दोस्तों, उसके बाद हमने जीरो टू हीरो श्रृंखला में कवर किया दोस्तों मार्केट साइकोलॉजी, जो चार्ट पैटर्न्स जैसे प्राइस पैटर्न्स भी बोलते हैं उससे रिलेटेड उसका इंट्रोडक्शन किया दोस्तों, और उसके बाद अलग अलग तरह के चार्ट पैटर्न्स अलग अलग एपिसोड में कवर किए गए, जैसे जीरो टू हीरो 14 में कवर किया गया हेड एंड शोल्डर, उसके बाद रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स के बारे में बताया गया दोस्तों जीरो टू हीरो 15 में, उसके बाद दोस्तों राउंडिंग पैटर्न्स के बारे में चर्चा हुई दोस्तों, जो कि बहुत रिलायबल पैटर्न्स है उसके बारे में बताया गया, जो एक मल्टी बैगर स्टॉक को आइडेंटिफाई करने में हमें मदद कर सकता है, तो जीरो टू हीरो 16 में उसे कवर किया गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जीरो टू हीरो 17 में दोस्तों कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न के बारे में बताया गया, जहां बार बार आपको स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है और कैसे उसे आइडेंटिफाई करना और उसमें किस तरह से ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी बना के हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा की गई। तो चलिए दोस्तों जीरो टू हीरो 17 के बाद क्या टॉपिक कवर किए गए उसे समझते हैं। तो दोस्तों उसके बाद आया एपिसोड नंबर 18 जीरो टू हीरो श्रृंखला में, और उसमें दोस्तों कवर किया गया दोस्तों
फिबोनाची सीक्वेंस के बारे में, जो मैथमेटिकल नंबर्स हैं दोस्तों, और इनका बहुत पुराने 200 बीसी के पहले इनका एक्चुअली वर्ल्ड को नॉलेज इंडिया से दिया गया था और बाद में इसे वेस्टर्न वर्ल्ड में पॉपुलर किया फिबोनाची, लियोनार्डो फिबोनाची ने, इसीलिए इसे फिबोनाची सीक्वेंस कहा जाता है। जो डिवाइन नंबर्स हैं दोस्तों, ये अमेजिंग नंबर है जिनका इस्तेमाल टेक्निकल एनालिसिस में किया जाता है। जो लोग मैथ्स के बैकग्राउंड से नहीं है या मैथ्स से घबराते हैं, डरने की बात नहीं है, इतना सिंपल तरीके से इसे बताया गया है कि आपको केवल प्लस करना अगर आता है तो इनफ है दोस्तों, केवल प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का गेम है, वेरी सिंपल तरीके से। रादर सारे वीडियो इतने सिंपल तरीके से बनाए गए हैं। ये मिथ को दिमाग से निकाल दीजिए कि मेरा बैकग्राउंड फाइनेंस का नहीं है, मैथ्स का नहीं है, मैं इस टॉपिक को नहीं सीख सकता हूं। उसके बाद आया दोस्तों एपिसोड नंबर 19, और एपिसोड नंबर 19 में कवर किया गया दोस्तों फिबोनाची को इस्तेमाल करते हैं किस तरह से हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं दोस्तों, किस तरह से हम फिबोनाची टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं जो चार्टिंग सॉफ्टवेयर में उपलब्ध होता है, उसका कवर किया गया दोस्तों 0 to 0 19 सीक्वेंस में। और उसके बाद आया दोस्तों फिबोनाची टूल का इस्तेमाल करके हम किस तरह से टारगेट निकाल सकते हैं कि क्या पॉसिबल टारगेट होने की संभावना है, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो कहां तक प्राइस जाने की संभावना है, या मार्केट नीचे गिरेगा तो कहां तक प्राइस नीचे जाने की संभावना है, इसको कवर किया गया 0 to 0 20 के सीरीज में। और उसके बाद आया दोस्तों कि हम किस तरह से कप एंड हैंडल पैटर्न्स को, एक ये प्राइस पैटर्न है इसके बारे में चर्चा की गई, क्योंकि ये काफी रिलायबल पैटर्न है और इसके रिजल्ट काफी अच्छे आते हैं, इसको कैसे इस्तेमाल करें, पहले कैसे आइडेंटिफाई करें, उसके रूल्स क्या है आइडेंटिफाई करने के, और उसके बाद में उसमें हम किस तरह से एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं और एक प्रॉफिटेबल ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की प्रक्रिया में किस तरह से हम रिस्क को भी मैनेज करें, ये बातें 0 to 0 21 में एक्सप्लेन की गई। और उसके बाद दोस्तों अब अगला एपिसोड नंबर 22 जो है दोस्तों वो आने वाला है दोस्तों 2 November सैटरडे 8 PM को दोस्तों, और उसमें हम कवर करेंगे सीक्रेट ऑफ RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के बारे में, और उसके कई तरीके के यूज कैसे यूज किए जाते हैं, और मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा वो सीक्रेट जिन्हें मैं इस्तेमाल करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से हीरो टू जीरो टू हीरो श्रृंखला के तहत कुछ और वीडियो जो पहले से चैनल में उपलब्ध थे, जैसे मार्केट साइकोलॉजी, किस तरह से 2 कैंडल को हम सिंथेसाइज करके हम मार्केट की साइकोलॉजी को स्टडी कर सकते हैं, उन्हें इनकॉर्पोरेट किया गया। तो दोस्तों सीक्रेट ऑफ RSI जो एपिसोड नंबर 22 है, बट इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट के अंदर में जिसके बारे में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया दोस्तों, वो उसमें 25 वीडियोस उपलब्ध है दोस्तों। तो दोस्तों मुझे आशा है कि जो लोग खास करके इस परिवार के साथ नए जुड़े हैं, उन्होंने चैनल को नया नया सब्सक्राइब किया है पिछले 2-3 महीने के अंदर, उन्हें इस स्ट्रक्चर्ड प्लेलिस्ट का 0 to 0 के बारे में आज पर्पस है बताने का, कि वो किस तरह से एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग प्लेलिस्ट में दोस्तों वो 0 to 0 1 से शुरुआत करें, और दोस्तों स्किप करके ना देखें, फास्ट फॉरवर्ड नहीं करें, टॉपिक को जंप नहीं करें दोस्तों, वो एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से को रिलेटेड है। और अगर आप सीधा, अगर जैसे मैं इंजीनियरिंग अगर कर रहा हूं, मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर नहीं पढ़ के सीधा फाइनल ईयर में मैं बुक्स को टच करने लगूंगा तो मुझे कंफ्यूजन होना है और मैं एक अच्छे बनने इंजीनियर बनने की संभावनाओं को खो दूंगा। उसी तरीके से दोस्तों 0 to 0 श्रृंखला में पहले वीडियो से शुरू कीजिए दोस्तों, पेशेंस रखिए और स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो को कम से कम 3 बार देखिए, ताकि आपको दोस्तों कंसेप्ट क्लियर हो सके, क्योंकि हमने बचपन में भी सुना था अपने टीचर्स के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, रिवीजन करो रिवीजन करो, क्योंकि रिवीजन करने से दोस्तों
ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि जब हम थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम रिवीजन करते हैं तब जाके कंसेप्चुअली चीजें क्लियर होती हैं। तो इफेक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग को अडॉप्ट कीजिए, ग्रुप लर्निंग मेथड को अडॉप्ट कीजिए दोस्तों। तीन फ्रेंड्स का ग्रुप बनाइए और सब लोग इंडिपेंडेंटली इसको देखें और उसके बाद में बिना वीडियो को रेफर किए आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करें, उसके ऊपर में इंटरेक्ट करें, डिस्कशन करें, क्योंकि इंटरेक्शन से नॉलेज और एनहांस होगा। तो दोस्तों शायद आपको ये एपिसोड खास करके जो नए लोग हैं सीखना चाहते हैं सब्जेक्ट को, और ये फ्री एजुकेशन ट्यूटोरियल्स जो है दोस्तों ये देश के कोने कोने तक पहुंचाएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। दोस्तों हर व्यक्ति जिसे आप जानते हैं जिसे ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, कमोडिटी मार्केट में इंटरेस्ट है या करेंसी मार्केट में इंटरेस्ट है, उसे इस चैनल के बारे में बताएं कि यहाँ पर एक फ्री एजुकेशन श्रृंखला चल रही है जहाँ स्टेप बाय स्टेप टॉप क्लास एजुकेशन की, क्योंकि आप डिजर्व करते हैं बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेशन। और दोस्तों मुझे आशा है कि हम इस तरह से इस प्रक्रिया को जारी रखेंगे और अपना कनेक्ट बना के रखेंगे। सो दोस्तों हैप्पी लर्निंग एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग सीरीज ऑफ जीरो टू हीरो सीरीज नंबर 22 सीक्रेट ऑफ आरएसआई।